और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। कितना ग्रैंड है ना सेट्स एंड ऑल ऐसे एकदम। ना ना उनको धक धक हो रहा है। बारी एक चीज एक्सप्रेशन देखो जिन्हें रेंटियर आंखें एंड ऑल। ओके ओके हाँ ये उस तैयारी के साथ है। माँ कसम जस्ट इमेजिन हम ऐसे पार्टी में होते थे। बापरे ट्रीट कर रहा है उसको। आई गो मिल गई चावी। कैसे दिखाया है ना एकदम।
तुम इस खाकी वर्दी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से बगावत करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट करता हूँ। हना, तुम पुलिस वाले हो? सच में तुम पुलिस अफसर हो क्या? मैं मान नहीं सकता। हाथ तू अख्तर, माँ कसम मेरी कोई गलती नहीं, मैंने तुमसे अपना दर्द बांटा था ना, हना, हना, मेरी कोई गलती नहीं है ना, हना, एक बार मेरी आंखों में देखो ना, एक बार मेरी तरफ देखो, मेरी कोई गलती नहीं है ना। हम यहाँ अपनी बहन के लिए आए हैं, वो एक छोटी बच्ची है। माय गॉड, छोटी बच्ची है ना। बेचारा कितना रिक्वेस्ट कर रहा है ना, मतलब सीरियसली। मेरी बहन को ले जाने दो, मुझे मल्ली को ले जाने दो। मैं दोबारा नहीं बोलूंगा अख्तर, चलो मेरे साथ, सरेंडर कर दो। ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम? हाथ दो। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तुम और ऐसे। अरे यार अन्ना, तुम हम में से एक हो, तुम हम में से एक हो ना अन्ना। कितना हर्ट होता होगा। पानी सब हो चुका है पूरे पार्टी में। गॉड, पार्टी सीन है बट बैकग्राउंड म्यूजिक सुनो कितना इमोशनल है। आग, पानी, आर सब कुछ हो चुका है इस पार्टी में। सीरियसली, ओके, फायर क्रैकर्स भी हो चुके। राम चरण का कैरेक्टर आग को डिपिक्ट करता है तो ये पानी को। वो देखो कितना ग्रैंड का बैकग्राउंड, देखो बैकग्राउंड दोनों के, वाटर एंड फायर फाइटिंग विद ईच अदर। वाओ प्रेजेंटेशन। मल्ली के लिए सोचो ना अगर सीरियसली। अगर उन्होंने सब देख लिया तो
भी मल्ली नहीं बचेगी, वरना इतना दूर था मल्ली से, इसके वजह से मेरे को ये चीजें सहनी पड़ रही है। देखो बारीकी, देखो बारीकी। इमोशनल मतलब कितना मिक्स है सारी चीजों का, इमोशंस, फाइट सीन, वाटर, फायर, जुनून, सारी चीजें, दोस्ती, सारी चीजें एक ही वीडियो में इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट की। मैं तो बारीकी देखती रहती हूँ, हमेशा ऐसा हो जाता है कि एसएस राजमौली की मूवी, मूवी छोड़ो, टाइटल अनाउंसमेंट हो, टीजर हो, ट्रेलर हो, बारीकी ऐसे छोटी छोटी बारीकी होती है ना कि क्या कहना, मतलब दिल खुश हो जाता है जब कभी भी मैं इनके वीडियोस देखती हूँ। तो वही काइंड ऑफ हो गया कि इतनी छोटी छोटी चीजों का ध्यान देके सारी चीजें, नहीं क्या एकदम परफेक्ट दिखाना, जैसे कि वाटर दिखाया उन्होंने तो पीछे फाउंटेन के इतने सारे पाइप्स नॉन वो सारे जुक 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 हो रहे हैं और फिर पाइप इसके हाथ में, एंड देन वहां उस साइड पे फायर के टाइम पे पीछे सारे फायर क्रैकर्स हो रहे हैं एंड देन फायर इसके हाथ में। हाँ मतलब वो जिस तरीके से दिखा रहे हैं ना वो बड़ा खतरनाक। और मैंने बहुत से आर्टिकल्स पढ़े बहुत जगह पे कि ओवरसीज इस मूवी को इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, इतना अच्छा, इनकी फ्रेंडशिप की बात हो या कुछ भी हो, इतना लोगों ने पसंद किया है बाहर देशों में इस मूवी को, मजा आ गया ये सुन के लिटरली। क्योंकि जैसे मैंने कहा ये सारी चीजों का मिक्सचर भी है, कहीं ना कहीं मल्ली अपनी बहन को बचाने के लिए इतनी सारी चीजें, इतनी सारी कोशिश, इतने टाइम से प्लानिंग या जो कुछ भी, जिस तरीके से जानवर लेके आना, ये मुझे बड़ी अलग सीन लगी। मैंने ये कहीं कोई भी मूवी में नहीं देखी मैंने ऐसा कोई सीन, आपने देखा हो तो आप मुझे बताओ कि ऐसे जानवर वानवर है एंड उनको कैद किया एंड देन उनको केज से ऐसे छोड़ दिया एंड ऑल दोस थिंग्स हैपनिंग अराउंड, मतलब उसमें सब फूट गया उस पार्टी में सारी चीजें, मतलब इतना ग्रैंड सेट और वो सारी चीजें आग पानी वगैरह सब कुछ लगा लगा के हो गया। उसके बाद दोनों एक दूसरे को जिस तरीके से मार रहे थे, इमोशनल मतलब फील ही ऐसा हो रहा था, वो जो खच करके डालता है यहाँ पे छाती में वो, या ये उसको फिर नीचे थी मल्ली, उसको जाने नहीं देता है जो कुछ भी, कि हार मान लो वरना मल्ली मर जाएगी एंड ऑल दोस थिंग्स। तो बहुत सी चीजें हुई इंटरवल सीन में, सर वो चावी लेने के लिए पहले इतनी मेहनत करनी पड़ी, वो मिलने के बाद क्या करना पड़ा, तो हो गई अंदर फिर एक बार चावी, जिस तरीके से मल्ली को ऐसे पकड़ा एंड ऑल ना, वो मुझे बहुत खराब लग रहा था जिस तरीके से वो मल्ली को ट्रीट कर रहे थे। वो बस एक ही गुड़िया जैसे थी उनके इसमें, वो जिसको कार में बिठा के जाता है जूनियर एंड, बाप रे जिस तरीके से इमोशंस थे ना जूनियर एंड टीयर सर के फेस पे, जिस जब वो मल्ली नीचे होती है जिसने वो रस्सी से ये करके मतलब वो गुस्सा की तुम्हारे वजह से हुआ, तुम तो सब जानते थे पर तुमने उसको गुस्सा हुआ जिस तरीके से मार रहा था नॉन थिंग, ओ माई गॉड सीरियसली। एंड रामचरण जिस तरीके से दिखा रहे एकदम ऐसे स्टिफ लुक बोलते ना, एकदम ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी काइंड ऑफ, ओ माई गॉड खतरनाक था ये फाइट सीन्स तो एक से बढ़कर एक, लंबा अच्छा खासा लंबा सीन था ये 13-14 मिनट का इंटरवल सीन, मजा आया मुझे। आपका फेवरेट सीन कौन सा आर 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 मूवी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, और नेक्स्ट कौन से सीन पे आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना। आप और भी ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, गाइस इसे ज्यादा शेयर करो, क्योंकि आपके व्यूज पे मुझे पता चलता है मेरे ऑडियंस को क्या देखना पसंद है क्या नहीं। तो प्लीज बाकी फर्क नहीं आ ले।